निमाड़ में आयोजित हुआ संपूर्ण तहसील दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में जन समस्याओं को सुनते नवागत डीएम अवधेश तिवारी जी एवं एसपी स्वामीनाथ जी। सूत्रों की माने तो लोगों का कहना है तहसील दिवस एवं जन सुनवाई पोर्टल शिकायतों के लिए बना है, पर शिकायतों का निस्तारण सही रूप से नहीं हो रहा है। अधिकारी एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से लोग होते हैं परेशान, अपने ऑफिस में बैठकर मनचाही आख्या लगाकर लूटते हैं शासन से वाहवाही। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड। मोहल्ला नवाबपुरा गुड़ियाबाग में मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें आमिर पुत्र जाहिर आयु 1 वर्ष, महक पुत्री भूरा आयु 10 वर्ष, इन दो बच्चों का इंतकाल हो गया है। ये घटना सुबह 4 बजे मकान गिरने से हुई है, जिसमें जमील, चमन आरा, भूरा, सुहेल, कैफ घायल हो गए। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी मौके पर पहुंचे और परिजनों का हाल चाल जाना, साथ ही साथ परिवार वालों को हर मदद करने का भरोसा भी दिलाया। विधायक जी ने जिलाधिकारी महोदय को परिवार को दोबारा मकान बनवाने और आर्थिक सहायता देने के संबंध में बात की और साथ ही साथ जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी का परिवार वालों ने शुक्रिया अदा किया और दुआओं से नवाजा। परिवार वालों का कहना था इस दुख की घड़ी में कोई उनका हाल जानने नहीं आया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए थैंक यू। मैंने हैंड फ्री कर रखा, पूरी भीड़ सुन रही है, सारे पत्रकार मौजूद हैं, ये सुन रहे हैं। डीएम साहब कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर अंदर मकान की पूरी सहायता मिलेगी और जो बच्चे मरे उनको भी मुआवजा मिलेगा। ठीक आ रही आप लोगों को आवाज? मैं हैंड फ्री पे आपसे बात करता हूँ, ऐसी भीड़ में मैं बताता हूँ। नहीं बता रहे हैं ये लोग, सब एडीएम आए थे, एडीएम एफबीआई थे। जी नहीं फिर आप जैसे जिला अधिकारी जो एक सेकंड में फोन उठता हो, बताओ तहसील दिवस में फोन उठ रहा है, तो मैं तो जनता में ये बताता हूँ, आपकी सोच पूरी जनता को बताता हूँ, आपकी फिक्र पूरी जनता को बताता हूँ। और इसी थैंक यू साहब। वो कह रहे हैं आप अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए, मकान की भी सहायता मिलेगी और मरने वालों को भी सहायता मिलेगी। नहीं FIR नहीं होगी कोई भी। ठीक थैंक यू साहब नमस्कार। मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट, मुरादाबाद। एक तरफ जहां गरीबों को सहूलियत देने के लिए तमाम योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा संचालित की गई हैं, उन्हीं योजनाओं में से एक योजना है उज्ज्वला योजना, जिसको लेकर कस्बा खेरागढ़ में जिस तरह से इस योजना के लाभार्थियों ने 900 से 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि यह योजना गरीबों के लिए मुफ्त में संचालित है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, आखिर क्यों? इस पूरे प्रकरण को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ मयंक शर्मा ने बात की उज्ज्वला योजना के 2 लाभार्थियों से, जो कि अपनी साइकिल पर सिलेंडर और चूल्हा बांधे हुए थे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से कई चक्कर लगाने के बाद आज उन्हें इस योजना का लाभ मिला है तथा उन्हें इसके एवज में 900 रुपए देने पड़े हैं। ऐसे ही उन्होंने जब दूसरे लाभार्थी से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें 1000 रुपए देने पड़े। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार मुफ्त में गरीबों को सहूलियत देने के लिए चलाई गई योजनाओं के एवज में इस तरीके का सुविधा शुल्क वसूलना कितना ठीक है, यह तो प्रशासन ही बता सकता है। फिलहाल देखिए फिरोजाबाद से हमारी यह विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शंकर लाल जी, आप कहाँ रहते हैं? थाना कौन सा पड़ता है? खैरगढ़। अच्छा ये बताइए, ये गैस जो आप लेके आ रहे हैं, आपको गैस का कनेक्शन फ्री मिला था या पैसे लिए गए थे? 1000 रुपये लिए गए थे। अच्छा, उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है कि गरीब लोगों को यह योजना फ्री में दी जा रही है, आपको पता है ये बात? आपको नहीं मालूम, मगर फिर आप तो पैसे लेके दे के आए हैं कनेक्शन? जी ठीक। कहाँ से लिया था, कौन सी एजेंसी से? इंडियन गैस, खैरगढ़ से, इंडियन गैस सर्विस से। ठीक। मेरा नाम विकास है।
कैलाश जी ये बताइए, ये आपको उज्ज्वला योजना के किस योजना के तहत ये आपको सिलेंडर गैस मिला? उज्ज्वला चल रही है प्रधानमंत्री की। जी जी जी, इसमें कुछ पैसे भी लगे हैं आपके? पैसे 990 रुपए लिए। 990 रुपए लिए? हाँ, मैडम बैठी है वहाँ पर। हाँ, उसे लिए। हाँ, और मैंने कही कि 500 ले लो, लेकिन वो पूरे पैसे किए। तो ये तो फ्री है योजना? फ्री है, हमें नहीं मालूम है, हमें तो ले रही है। पहले आए भैया, महीना पहले आएगा, माल नहीं आया है, अब दाओ है। बस बड़ा ना दाओ, छोटा दाओ, 5 किलो छोटा दिया है, बड़ा देना था। आपने कहा नहीं कि मुझे छोटा क्यों दिया जा रहा है, बड़ा क्यों नहीं दिया? माल आ ही नहीं रहा है, माल नहीं आ रहा। हाँ, फिर मिलेगा 6 महीने बाद, नहीं कह देंगे। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सबको बड़ा वाला सिलेंडर, जो वो सिलेंडर वो भी दिया जाएगा, चूल्हा छोटा ही दिया है भैया, सामने लाइट आ रहा। और 990 रुपये दे के आए हैं और फ्री दे रहे हैं वहाँ से, और वहाँ से फ्री आ रहा है। और लेकिन TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए मयंक शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। ये मामला है ग्राम कुर्रा, तहसील राज, जिला हमीरपुर का। पीड़ित महिला तेज रानी के खाते में वृक्षारोपण के लिए सरकार द्वारा 5,000 की धनराशि भेजी गई। लाभार्थी पीड़ित तेज रानी अनपढ़ है, वह बैंक से पैसे निकालने बैंक पहुंची। वहां पर ग्राम का दीना कुशवाहा मौजूद था, उसने पैसे निकाला और तेज रानी को मात्र 1,000 दिए, 4,000 लेकर चला गया। इसी प्रकार के अन्य लोगों के साथ हुआ और यह कहकर पैसे ले गया कि यह हमारा और कृषि कर्मी ज्ञान सिंह कुशवाहा का है, आगे लाभ लेना है। तो ठीक, ग्राम वासियों ने इसकी शिकायत तहसील दिवस और कोतवाली राठ में की, पर अब तक ग्रामीणों को न्याय नहीं मिला। इस छोटे से गांव में इतना भ्रष्टाचार है कि पूरे प्रदेश में योगी सरकार की सारी योजनाएं इस प्रकार चला रहे जिला कर्मी, जमीन पर एक भी वृक्ष नहीं है। ग्राम पूरा हरा भरा, पैसे का पूरा बंदरबाट, गरीब जनता में आक्रोश, पैसे का पूरा बंदरबाट है, गरीब जनता में आक्रोश व्याप्त है। क्या नाम है आपका? कितना पैसा आया आपके खाते में? नहीं तो आया था जो पैसा निकाला गया खाते से, कितना निकाला? 5,000। किसने निकाला आपका पैसा? मैंने, दीना ने निकलवाया। दीना आगे क्या लगता है? वो दीना, अच्छा अच्छा, सेक्रेटरी है। उसने आपका पैसा निकाला? नहीं, निकलवाया। आपका, आपसे निकलवाया, तो कितना पैसा आपको मिला? 1,000। 1,000। बाकी कौन ले गया? बाकी दीना ले गया। कितना? 4,000। 4,000 बोले। बोला मैं लाव गड्डी में देखूँ। हाँ, फटे हैं अभी, अभी बदल लिए हैं। हाँ, बस उसमें फटी ना दें एक भी। उन्होंने 4,000 1,000 निकाले, मुझे दिए, 4,000 लेके चला गया। थोड़े से चेहरा ऊपर करिए आप अपना, और किसी की पैसे है ये तुम्हारे लिए? तो आपने बताया नहीं कि हमारे खाते में आया तो हमारा पैसा है? हाँ जी, मैंने बताया। हाँ, तो क्या बोला? मगर वो वहाँ पर रुका नहीं। अच्छा, पैसे लेके चला गया? पैसा लेके चला गया। क्या नाम है दादा आपका? महीपर। कितना पैसा आया था आपके खाते में? 5,000। 5,000 आया था। कितना निकल गया? 1,000 हमको मिला, 4,000 ले गया। 4,000 कौन ले गया? दीना कुशवाहा। क्या है दीना कुशवाहा? छोटा प्रधान। छोटा प्रधान है। पैसा काहे के लिए आया था? ये पेड़ों पे आया था जी। आपने पेड़ लगाए एक भी? नहीं, हमको मिला ही नहीं पेड़। एक भी पेड़ नहीं लगा? एक भी पेड़ नहीं मिला। गाँव में और भी तो वृक्ष लगे होंगे? गाँव में तो लगे तमाम, लेकिन आपके, आपने नहीं लगाया? हमको मिला नहीं जी पेड़। ये पैसा कहाँ से आया था? कृषि विभाग से। कृषि विभाग से? किसके द्वारा आया था? तो किसने पैसा निकाला है? ये पैसा निकलवाया था दीना कुशवाहा। नहीं, जो कृषि विभाग के बाबू हैं वो कौन है? ज्ञान सिंह नाम है। ज्ञान सिंह कुशवाहा। ज्ञान सिंह कुशवाहा। कौन से? कितने खाते में पैसे आए थे आपके? तो 5,000 बताती। अच्छा, कितने निकाले? 5,000 निकाले थे, 4,000 उन्होंने ले ला, 1,000 हमें दे। 4,000 किसने ले लिए? दीना काशी ने। दीना काशी कौन है ये? प्रधान नहीं है। हाँ, तो आपने प्रधान से शिकायत नहीं की? नहीं बाबू जी, हमें तो ज्ञान नहीं खेल, हमने कहा प्रधान नहीं तो कहो है कि निकाल लिया। अच्छा, प्रधान ने कहा है कि निकाल लो? हाँ, वही का तो कहा। तो आपने कहा, कहे के लिए पैसा आया था पेड़ लगाने के लिए? हाँ। तो कितने पेड़ लगाए आपने? आपने कहा लगाए, कछ नहीं लगा। इधर करिए, एक भी नहीं लगाया? नहीं लगाया बाबू। और पैसा पूरा खत्म हो गया? हाँ, पैसा हमें 1,000 मिली थी, काल ले। अच्छा, चलिए, तो आप सबके सामने ये बात कहती हैं कि हाँ, मतलब आपका पैसा निकाला गया? सामने कह दें बाबू जी, जब निकाली तो कह न। चलिए ठीक। क्या नाम है माता जी आपका?
सेजरानी। कहाँ रहती हैं आप? कुर्रा में। कुर्रा में कितना पैसा आया था आपके खाते में? 5,000। 5,000। कितना पैसा निकाला आपका? 5,000 निकाला है, दिन अब कुछ बाहर ने निकलवाए, घर से लुआ गया। आपको कितना मिला? 1,000। 1,000। 4,000 कौन ले गया? दीना। दीना ले गया। दीना क्या BTC मेंबर है? हाँ, कहते हैं कि हल्का प्रधान है। अच्छा, छोटा प्रधान है, उसने आपका 4,000 निकाला। इसकी शिकायत आपने तहसील दिवस में की? हाँ, तहसील दिवस में की। थाने भी गई थी आप? तो क्या हुआ? कुछ नहीं, कहती थी कार्रवाई होगा बस। आज तक कुछ नहीं हुआ? कितने दिन हो गए? बहुत दिन हो गए इसको। बहुत दिन हो गए, महीना दो महीना से ज्यादा हो गया। पहले चुनाव की पहले का काम है जो। आज तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित के साथ भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, बुंदेलखंड। ग्राम कुर्रा, तहसील राठ, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज की लगभग 2 बीघा जमीन गरीब ग्रामवासियों को सरकार ने खाद गड्ढे के लिए दी थी, परंतु कुछ भू माफियों और राजस्व कर्मियों की निगाह पड़ गई। राजस्व कर्मी कामता जी और उनकी पुत्री कविता जी लेखपालिका हैं। उन्होंने सारी हदें पार कर दी और सैकड़ों फर्जी आख्या फर्जी नाम जमीन पर पूर्ण कब्जा कर लिया और ग्रामीण दर दर भटक रहे भ्रष्टाचारी कर्मियों से जो योगी सरकार को ठेका दिखा रहे हैं, और भू माफिया टीम का तो पता ही नहीं है, वो पूर्ण निष्क्रिय है। कामता जी चलाते हैं पूरी तहसील को, उनके मनमाफिक ही होते हैं सारे कार्य वहाँ पे, और जनता का बुरा हाल है, उन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं है और ऐसी कसी जा रही है भू माफियों पर नकेल। जिला प्रशासन पूरी तरह असफल है। कौन जोत रहा है वहाँ की जमीन खाद गड्ढा की? कितने बार शिकायत कर चुकी हूँ? हम कई बार शिकायत कर चुके, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, कोई भी नहीं सुन रहा। सत्ता से खाद से कम नहीं हो। अधिकारी क्या कह रहे हैं इस मामले को? कुछ नहीं, आएंगे टहला देते हैं, हो जाएगा। और अभी गए थे तो देख आए और हमें कह रहे जो तार पकड़ो, हमने तार पकड़ो तो बस हमने वीडियो बनाओ भागिया कह रहे इधर ही जाते हैं। सर, कुर्रा मैटर में आपका क्या रुझान है? जो हमें पहले शिकायत आई थी उसके संबंध में हमने नायब साहब को भेजा था मौके पर, उन्होंने कब्जा हटवा दिया था। फिर से शिकायत आ रही है कि कब्जा हो गया, हम लिखवा लेते हैं, उसमें हम तहसीलदार को भेजेंगे। अगर होगा फिर से, अगर कब्जा वहाँ पाया जाता है तो जो भी होगा विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, ये लेखपाल साहब जो इनका जो COG नंबर है या उनका पर्सनल नंबर है वो जिसपे अपना फ़ोन अटेंड नहीं करते, और हम देख लेते हैं अगर ऐसा है तो हम कार्रवाई करेंगे। जी जी जी, ओके सर। कौन कौन गए थे आपके लेखपाल जो हैं यहाँ जो कुर्रा में हैं? वो आपकी बेटी है, इसका उसका सारा कारोबार आप ही देख रहे हैं ना? हम तो देख रहे हैं। फिर आप ऑफिस में तो बैठते हैं कि आप अलग से कोई नौकरी करते हैं? नहीं, हम अलग से नौकरी करते हैं, अपनी नौकरी अलग से करते हैं। आप अपनी नौकरी किस पद पे हैं? आप हम यहाँ राजस्व निरीक्षक हैं। राजस्व निरीक्षक? राजस्व निरीक्षक हैं। तो ये नंबर आप आम जनता को क्यों प्रोवाइड कराते हैं? क्या जो आपके पास नंबर है? नहीं देते किसी को, कहाँ नंबर वो पा गए। नहीं, आप गए होंगे ना, तभी तो वो नंबर आपसे लिया कि साहब नंबर दे दीजिए। पता नहीं किसने लिया नंबर, हमें नहीं पता कहाँ से नंबर पा गए, कहाँ से क्या हो गए, हमें नहीं पता। और जब कोई पत्रकार आपसे बात करता है और वो नाम बताता है वो आप, तो आप फोन काट देते हैं? नहीं, फोन इसलिए काट देते हैं कि 5-5 मिनट में अंदर फोन करेंगे तो हम कहाँ से अपना काम कब करेंगे हैं? अपना काम कब करेंगे? अच्छा। आप बैठिए, जो कुछ पूछना हो आप दिन भर स्वागत है आपका। नहीं नहीं, हम लोग नहीं, अभी क्या 5-5 मिनट में फोन किए गए? हाँ बिल्कुल, 4 मिसकॉलें, 4 मिसकॉलें तब डली हुई हैं जब आपने नाम सुना और फोन को कट कर दिया। हाँ, इसीलिए कि भाई हम कहाँ से बात करें फालतू में, बताइए। अच्छा, ये आप ये सुनिए पहले, उस प्रकरण में जो कुर्रा का प्रकरण है उस प्रकरण में नायब तहसीलदार लेखपाल कानून वो सब लोग जो है मौके में ना पाए, उसका वहाँ जहाँ हाथ गड्ढा डालती थी वहाँ उस जगह बता दिए। अब क्या रह गया, क्या चाहते हैं? क्या वहाँ से कब्जा हटा? कहाँ से? वहाँ से बिल्कुल कब्जा हट गया है। आपके पास कोई सबूत है कब्जा हट गया? आप वहाँ जाइए ना, उसकी तारवाड़ी सब हटवा दिए हैं बिल्कुल। अब पूर्व आविष्कार करे, कोई मना थोड़ी किए। अच्छा, इसको मना नहीं किए। और यदि अगर नहीं हटी होगी तारवाड़ी तब? नहीं हटी होगी तो फिर दोबारा हटाई जाएगी लगाती हो। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? क्यों कड़ी कार्रवाई करवाइए ना, बैठे तो हैं अधिकारी, तहसीलदार बैठे हैं। मैन
मेन कार्रवाई तो आप ही को कराना, उच्च अधिकारियों को अवगत कराना, लेखपाल का ही कर्तव्य बनता है कि और किसी का है? अगर लेखपाल ही नाब तहसीलदार हो, तहसीलदार और एसडीएम को गुमराह करेगा तो आम जनता किस प्रकार से जिएगी? नहीं, वो गुमराह नहीं कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? वो नहीं कर रहा है। आप पता है, पहले यहाँ पता करिए, उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है विरोधियों। नहीं, वो तो मुझे मालूम है मुकदमा चल रहा है। हाँ, तो मुकदमा के लिए आप ही लोगों के द्वारा इस चीज को संज्ञान में लिया गया है कि मुकदमा चल रहा है। लेखपाल उसमें क्या करेगा? अगला मुकदमा चलने के उपरांत उसके ऊपर जुर्माना ठोंक दिया जाएगा और जुर्माना ठोंकने के बाद। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित के साथ भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, बुंदेलखंड। हमीरपुर जिले के कस्बा मौदहा में मदरसा यादगार मोहम्मद हुसैनी में कल 18 जुलाई 2019 को हाजियों की ट्रेनिंग व टीकाकरण का इंतजाम किया गया है। इसकी जानकारी मदरसा यादगार मोहम्मद हुसैन के प्रधानाचार्य जनाब नसीम आलम साहब ने दी। कल पूरे हमीरपुर जिले के जितने भी हाजरीन जिन्होंने हज का फॉर्म भरा था और उनका नाम भी आ गया था, उनकी कल मदरसा यादगार मोहम्मद हुसैनी में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। और साथ ही मदरसा यादगार मोहम्मद हुसैन की जानिब से हाजियों को हज के अरकान भी बताए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कल होने वाले टीकाकरण में अल्पसंख्यक जिला कल्याण अधिकारी अभय कुमार सागर के भी आने की संभावना है। संबंध में आज मदरसा यादगार मोहम्मद हुसैन में प्रधानाचार्य नसीम आलम ने समस्त स्टाफ के साथ एक मीटिंग की, जिसमें कल होने वाली टीकाकरण की प्रोग्राम की व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। और समस्त स्टाफ से यह गुजारिश की गई है कि वह इस प्रोग्राम में पूर्ण सहयोग प्रदान करें और आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करें। यह ध्यान भी रखा जाए कि किसी भी मेहमान को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना होने। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित की रिपोर्ट, बुंदेलखंड। खैरगढ़ थाने में पत्रकार राहुल तिवारी पर लिखे फर्जी मुकदमे के विरोध में आज सभी पत्रकार साथी जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह से मिले और उन्हें मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान उपजा फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष सौरभ उपाध्याय, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव कोमल सिंह, जिला प्रभारी मयंक शर्मा के साथ समाचार प्लस चैनल के संवाददाता राम मोहन शर्मा, सुदर्शन चैनल के संवाददाता मनोज त्रिपाठी, ओके इंडिया से दीपक भरद्वाज, जेपी सिंह सहित भारी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। इसी दौरान उपजा के जिला अध्यक्ष सौरभ उपाध्याय ने कहा कि अगर पत्रकार और फर्जी मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो होगा उग्र आंदोलन। सर, आज ज्ञापन दिया गया है पत्रकार द्वारा, किस तरीके का मामला है? ये खैरगढ़ में जो मामला हुआ था, जहाँ पे सामूहिक शादी में पत्रकार द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे और फिर आपस में कुछ कहासुनी की वजह से मुकदमा दर्ज उस पत्रकार पर हुआ था, उसी से संबंधित ज्ञापन पत्रकार बंधुओं ने हमें दिया है और वो चाह रहे हैं कि उसमें मुकदमा वापस ले लिया जाए और जो भी कार्रवाई हो उसमें निष्पक्ष हो। तो यही फिर मैंने उनसे भी बात की है, आप सभी लोगों से, कि इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष रूप से की जाएगी। अगर कोई मामला गलत दर्ज हुआ है तो उसमें निश्चित रूप से उसमें ख़त्म किया जाएगा और जो भी रहेगा वो सब निष्पक्ष रूप से हम करेंगे। सर, वीडियो पर पहले से भी कब्जा दूत कई समय से विवादों में रही हैं, आज तक कोई उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, किस तरीके की आपके द्वारा संतुष्टि की जा रही है? सर, जितनी भी शिकायतें हुई हैं उनमें जाँच चल रही है और जैसे ही जाँच रिपोर्ट मेरे पास आती है तो उसमें तुरंत कार्रवाई हम करेंगे। सुनने में आया कि इनका ट्रांसफर होते हुए रुकाया गया है? नहीं, वो उस चीज़ से लिंक। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए देवाशीष शर्मा के साथ मयंक शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।